शिवजी से न्याय मांगता कौवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको सुखी रहना है तो अपनी तुलना किसी से मत करो। आप ही हैं, आपके समान और कोई नहीं हो सकता। फिर क्यों अपनी तुलना दूसरों से करते हो? क्यों दूसरों से ईर्ष्या करते हो? दोस्तों, आइए समझते हैं इस बात को एक कौवा की कहानी से। दोस्तों, एक जंगल में एक कौवा रहता था और वह अपने जीवन में बहुत खुश था। एक बार कौवा उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। उसी वृक्ष पर कोयल भी बैठी थी। कौवा ने कोयल को देखा। कौवा सोचने लगा कि कोयल का रंग मेरे रंग जैसा ही है, पर कोयल की आवाज कितनी सुंदर है, कितनी मधुर है। लोग इसकी आवाज को खड़े होकर सुनते हैं। इसकी मधुर बोली के कारण लोग इससे कितना प्रेम करते हैं, जबकि मैं बोलूं तो लोग कंकड़ पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। कितनी खुशहाल जिंदगी है कोयल की। यह सब सोचकर कौवा काफी परेशान हो गया। कौवा ने सोचा कि भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। मैं भगवान से इसकी शिकायत करूंगा और कहूंगा कि मुझे भी कोयल बना दो। यह सब सोचकर कौवा उड़ा कैलाश पर्वत की ओर और उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शंकर से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया है? शिवजी बोले, ऐसा क्या किया मैंने जो आपके साथ अन्याय हो गया? कौवा बोला, प्रभु, आपने मुझे कौवा बना दिया। मेरी आवाज सुनकर लोग मुझे कंकड़ पत्थर मारते हैं और मुझे भगा देते हैं। लोग हमारी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। कौवा की बात सुनकर भगवान से बोले, कौवा, अब तुम हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे शरीर को बदल देंगे। बताओ, क्या बनना पसंद करोगे? कौवा बोला, प्रभु, आप मुझे कोयल बना दो, क्योंकि जब वह बोलती है तो लोग उसकी आवाज को खड़े होकर सुनते हैं। उसकी मधुर बोली के कारण लोग उससे कितना प्रेम करते हैं, इसलिए मैं कोयल बनना चाहता हूं। भगवान शंकर बोले, ठीक है कौवा, जो तुम चाहते हो हम तुम्हें कोयल का शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन इससे पहले कोयल से पूछकर आओ, क्या कोयल अपने इस स्वरूप से खुश है या नहीं? शिवजी की बात सुनकर कौवा बोला, ठीक है प्रभु, मैं अभी पता करके आता हूँ। कौवा कैलाश पर्वत से उड़ता हुआ कोयल के पास पहुँच गया और कोयल से कहने लगा, हे कोयल बहन, क्या तुम अपने स्वरूप से संतुष्ट हो या नहीं? कोयल बोली, हे कौवा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कौवा बोला, क्योंकि मैं भी कोयल बनना चाहता हूँ। कितनी मधुर आवाज है तुम्हारी, लोग कितने प्यार से सुनते हैं तुम्हारी आवाज को, क्या जिंदगी है तुम्हारी? कौवा की बातें सुनकर कोयल बोली, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे, आवाज सुंदर है, इससे क्या, पर रंग तो हमारा काला ही है। लोग मुझे केवल सुनना पसंद करते हैं, पर देखना पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों से तो अच्छा हंस है। हंस को देखो, वह कितना सफेद और कितना सुंदर पक्षी है। वह कितने सुंदर सरोवर में रहता है। वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी पक्षी होगा। तुम हंस क्यों नहीं बन जाते हो? कोयल की ऐसी बातें सुनकर के वह कौवा पुनः शिवजी के पास पहुंच गया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे हंस बना दो। भगवान शंकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता कि हंस सुखी होगा? पहले एक बार हंस से पता तो करो, क्या वह अपने जीवन में सुखी है भी या नहीं? यदि वह अपने जीवन से सुखी होगा तो मैं तुम्हें हंस जरूर बना दूंगा। शिव की बात सुनकर के कौवा उड़ता हुआ उस हंस के पास आया और हंस से कहने लगा, हे हंस, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हें भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। तुम्हारा रंग भी सफेद है और लोग तुम्हारा कितना आदर करते हैं। तुम्हें देख करके खुश हो जाते हैं। और मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे पत्थर मारकर भगाते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान ने तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। हंस कहने लगा, हे कौवा, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था, कि मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो पाया कि उसके दो रंग हैं
और वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर है और सुखी है। अब कौवा उड़ता हुआ फिर से भगवान शंकर के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, आप मुझे तोता बना दो। भगवान शंकर कहने लगे, तो एक बार तोता से भी पूछकर आओ, क्या वह अपने जीवन से सुखी है या नहीं है। यदि वह सुखी होगा तो मैं तुम्हें तोता अवश्य बना दूंगा। अब कौवा भागता हुआ तोते के पास गया और तोता से कहने लगा, तुम कितने सुखी हो, तुम्हारी बोली कितनी मीठी है, लोग तुम्हारी बोली को कितने प्यार से सुनते हैं, तुम्हारे पास दो रंग हैं, तुम कितने सुंदर लगते हो। तोता कहने लगा, भैया, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझमें तो केवल दो ही रंग हैं, परंतु मोर तो विविध रंगी है, मुझसे तो वह मोर सुखी लगता है। अब कौवा भागता हुआ फिर भगवान शंकर के पास पहुंच गया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे मोर बना दीजिए, मुझे तो मोर का जीवन सबसे ज्यादा सुखी लगता है। भगवान शंकर कहने लगे कि हे कौवा, क्या तुम मोर से भी पता करके आए हो कि भय अपने जीवन से सुखी है या नहीं। कौवा कहने लगा, वो तो मैंने पता नहीं किया है। तो भगवान शंकर बोले, तो एक बार उस मोर से भी मिलकर आओ और पता करके आओ कि वह अपने स्वरूप से खुश है या नहीं है। यदि मोर खुश होगा तो मैं तुम्हें मोर अवश्य बना दूंगा। फिर कौवा मोर को ढूंढते ढूंढते एक चिड़िया घर में पहुंच गया, जहां बहुत सारे लोग मोर को देखने के लिए आ रहे थे। जब सब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास जाकर बोला, मित्र, तुम तो अति सुंदर हो, कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती रहती है, जबकि मुझे देखते ही लोग उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस संसार में सभी पक्षियों में से सबसे ज्यादा सुंदर और सुखी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे कौवा, मैं हमेशा सोचता था कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मैं ही अति सुखी हूं, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। मैंने सारे पक्षियों में गौर से देखा तो मैंने समझा कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता है। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता तो आज़ादी से सभी जगह घूमता उड़ता और सुखी रहता और ऐसो आराम करता। अब कौवा उड़ता हुआ भगवान शंकर के पास पहुँचा और बोला, हे प्रभु, आप मुझे कौवा ही रहने दीजिए, मैं अपने इस रूप से ही खुश हूँ। दोस्तों, यही तो है हमारी समस्या, हम अनावश्यक ही दूसरों से अपनी तुलना किया करते हैं और यही सोचकर हम दुखी रहने लगते हैं। सज्जनों, हमें जो मिलता है हम उसकी कद्र नहीं करते, इसी के कारण दुख के विष चक्र में फंसे रहते हैं। प्रत्येक दिन हमें भगवान की भेंट समझ करके आनंद से जीना चाहिए। सुखी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन दुखी रहने के लिए सुख की चाबी अपने हाथ रखनी होगी तथा दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना करना दुख को न्योता देने के समान है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।